पंजाब के अमृतसर में हुए रावण दहन के दौरान ट्रेन हादसे में हुए हादसे के शिकार लोगों का दुख हरिद्वार में भी देखने को मिला। पंजाबी गायक मनकीरत औलख, जिनका आज हरिद्वार में लाइव कॉन्सर्ट प्रोग्राम होना था, वैसे भी धर्मनगरी हरिद्वार में इस तरह के कार्यक्रम मुश्किल से हुआ करते हैं। वहीं स्थानीय निवासियों को भले ही दुख हो रहा हो, लेकिन अमृतसर में हुए हादसे के बाद सभी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि हम इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है कि प्रसिद्ध गायक अब हमारे बीच नहीं आ पाएंगे। वहीं 2000 से लेकर 600 रुपए तक के टिकट बेचे जा चुके हैं, जिसमें स्थानीय लोगों ने लाखों रुपए के टिकट खरीद भी की। अब लगातार कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मायूसी हाथ लग रही है। वहीं आयोजक सिर्फ फोन पर ही पैसे वापस करने की बात कह रहे हैं। बस हमने टिकट लिया था मनकीरत औलख के शो का और बहुत हमें खुशी थी उनके आने की, और टिकट लेने के बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें ये चेयर्स की गाड़ी ये वापस जाते दिखी तो बड़ी मायूसी हुई, और पता चल रहा है कि वो नहीं आएंगे। हरिद्वार से बोल रहा हूँ, इसमें ऋषिकुल मैदान में हूँ, और आज मनकीरत का शो था बट उन्होंने आज कैंसिल किया। अब इसके रीज़न तुम्हें पता नहीं, बट अगर ये अमृतसर ट्रेजेडी की वजह से उन्होंने किया तो हमें काफ़ी खुशी है, बट थोड़ा दुख इस बात का भी है क्योंकि यहाँ हरिद्वार में ऐसे शो बहुत कम या फिर ना के बराबर ही होते हैं। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।